राजधानी में पतंगबाजी का दौर शुरू हो चुका है और आसमान पतंगों से सराबोर नजर आ रहा है, लेकिन इससे दूर आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए ये पतंगबाजी मुश्किलों भरी हो गई है। लोगों के पतंगबाजी के शौक के चलते कई पक्षी घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ की मौत भी हो जाती है तो कुछ कभी उड़ भी नहीं पाते हैं। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग और कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर मांझे से घायल होने वाले पक्षियों के इलाज के लिए पक्षी चिकित्सा शिविर लगाए हैं, जिसमें घायल पक्षियों का रेस्क्यू कर उनका इलाज किया जाएगा। गुलाबी नगरी में पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि यदि बात पक्षियों की करी जाए तो पतंगबाजी के दौरान पक्षी घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उनके इलाज के लेकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट कैंप बनाए गए हैं, फ्री ट्रीटमेंट कैंप हैं, जहां पर जो घायल पक्षियों के इलाज के लिए लोग ला सकते हैं और यहाँ पर इनको दे सकते हैं। साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट कैंप हैं वो उसके रेस्क्यू के लिए भी काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ मनन है, मनन से जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से पक्षियों का रेस्क्यू कर रहे हैं और किस तरह इलाज कर रहे हैं उनका। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो जयपुर में वाइड स्प्रेड है। जैसे ही कोई उस पर कॉल करता है, हमारे यहाँ पे कॉल रजिस्टर होती है, फिर उस पर वॉलंटियर अपॉइंट किया जाता है। वॉलंटियर अपॉइंट करने के बाद वॉलंटियर वहाँ कॉल पे जाते हैं। कॉल पे जाने के बाद वो बर्ड को रेस्क्यू करके वहाँ पे फर्स्ट एड अगर हो सकता है या मंजा काट के पक्षी छूट सकता है तो वो करते हैं, नहीं तो फर्स्ट एड देके उनको कैंप पे लाया जाता है। कैंप पे लाने के बाद हमारा अंदर एक ट्रियाज एरिया है जहाँ पे बर्ड को पूरा एनालाइज किया जाता है, उसके सारे पंखों को, पैरों को, सबको देखा जाता है और फिर उसके बाद डॉक्टर्स की एक शीट प्रिपेयर होती है। फिर उसके बाद बर्ड्स को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स, वेटनरी टीम है जो उनका इलाज करती है। प्रॉपर इलाज करने के बाद उनको हमारे शेल्टर पे ले जाया जाता है। 5 दिन 15 दिन 20 दिन जितना भी टाइम उनके रिकवरी में लगता है उतने टाइम तक वो हमारे शेल्टर पे रहती है और फिर उसके बाद हम उनका एक रिलीज प्रोग्राम करके कोशिश की जाती है जहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया है वहीं रिलीज किया जाए, नहीं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि आसपास कोई जंगली एरिया है या खुला एरिया है वहाँ पे हम उनको एक साथ रिलीज करें। बिल्कुल मनन, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, रेस्क्यू करने के लिए कितनी एम्बुलेंस और कितने डॉक्टर्स और लगभग कितने वॉलंटियर्स आपके पास अभी मौजूद हैं? इस कैंप में अभी टोटल अराउंड 110 के आसपास वॉलंटियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स की टीम है अराउंड 28-30 पीपल हैं। उसके अलावा 70 वॉलंटियर्स हैं जो ऑन ग्राउंड रेस्क्यूज कर रहे हैं और उसमें हमारी 2 एम्बुलेंस हैं जो लगी हुई हैं। उसके अलावा अराउंड 2-व्हीलर एम्बुलेंसेज हैं जो लगी हुई हैं अराउंड 17। तो ये प्रोसेस चलता रहता है रेगुलर वॉलंटियरिंग का, वॉलंटियर्स का आना जाना, तो वो लोग आते हैं जाते हैं बाइक से, एम्बुलेंसेज से। तो और हम A1TV के द्वारा सारे जयपुर वासियों से निवेदन करते हैं कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9828500065, जिसपे कॉल करके किसी को भी जयपुर में अगर कहीं भी घायल पक्षी मिलता है तो वो उस पर लिख बता सकते हैं, जिसमें हमारा वॉलंटियर आके रेस्क्यू कर सकता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो फ्री ट्रीटमेंट कैंप है वो एक टोल फ्री नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ, राजस्थान सरकार भी इस बार पक्षियों को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। राजस्थान सरकार ने सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, साथ ही शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पतंगबाजी पर रोक लगाई है। मैं कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ ऋषभ पांडे, A1TV न्यूज, जयपुर। मकर संक्रांति के मौके पर स्ट्रेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जागरूकता कार्य